और बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं अपरो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। 7 सीटों पर उपचुनाव की तारीख का आज ऐलान होगा। आपको बता दें दोपहर 3:30 बजे भारत निर्वाचन आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की तारीख की घोषणा यहां पर की जाएगी निर्वाचन आयोग द्वारा। साथ में राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। दोपहर 3:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और जिसमें 2 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और साथ के साथ राजस्थान के लिए खास, क्योंकि राजस्थान में भी 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उस उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शशि, आज 2 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और साथ ही राजस्थान में जो उपचुनाव होने वाले हैं, उन उपचुनावों को लेकर इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, और क्या कुछ जानकारी और क्या संभावनाएं हैं, कब तक ये चुनाव होने की तारीखें सामने आएंगी? नवंबर में चुनाव होने और निर्वाचन आयोग आज दोपहर 3:30 बजे प्रेस से रूबरू होगा। प्रेस के सामने महाराष्ट्र और झारखंड के जो विधानसभा चुनाव है उनकी तारीख का ऐलान करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसी के साथ में जो 7 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने राजस्थान उन पर भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि जो 5 सीट है वो विधानसभा विधायकों के सांसद से खाली हुई है और जो 2 सीट है रामगढ़ डूंगर वो विधायकों के निधन के चलते खाली हुई है और की सूचना आयोग के पास पहुंची। आयोग उसको एक नहीं कराया जाता है और 6 महीने के भीतर के 6 महीने के यहाँ निर्वाचन कराना जरूरी होता है जी। अभी इसमें नवंबर से दूसरे सप्ताह से ये हो जाएंगे और संपन्न भी हो जाएंगे, पर भी आ जाएंगे। इसलिए दोनों पार्टियां लगातार पिछले दिन हो रही है। हालांकि पीएपी के पास 84 सीट थी और आरएलपी के पास में 63 सीट थी, फिर अपने अपने तरीके से अपनी सीट को बचाने में अपनी सीट को फिर से हासिल करने में लगे। अभी इस चुनाव के रणनीति बिल्कुल, शशि आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि शशि मोहन जो है वो हम तक पहुंचा रहे थे। आज का वो दिन है जब आने वाले चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से दोपहर 3:30 बजे का वक्त रखा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, और इसमें उन दोनों राज्यों कि जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा उसका ऐलान किया जाएगा, उसकी घोषणा की जाएगी कब से कब तक चुनाव होंगे, कब नतीजे आएंगे, और साथ के साथ राजस्थान में 7 सीटें जिसमें कि जैसे कि शशिमन बता रहे थे 5 सीटें जो है वो खाली हुई थी, जो विधायक जो है वो अब सांसद बन चुके हैं तो उनके सांसद बनने के बाद वो 5 सीटें खाली हुई थी, और उसके बाद 2 सीटें ऐसी हैं जहां से विधायकों का अभी हाल ही में निधन हुआ है, उसके बाद से वो 2 सीटें खाली हुई हैं। तो 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में दोनों ही पार्टियां अब यहां पर चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। खासतौर पर बीजेपी कांग्रेस की बात की जाए तो अब तारीखों का ऐलान होगा और उसके बाद देखना ये होगा कि और कितनी तेजी आती है तैयारियों में।